बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। तो आज अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउजर्स के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन। उम्मीद है कि डिज़ाइन बनाए अपने ट्राउज़र पे भी, दुपट्टे पे भी, शर्ट्स पे भी, नेक पे। तो अभी तो मैं आपके साथ ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जो है मेहंदी के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी और आपके साथ जो है अपने ड्रेस जो है इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कपड़े बनवाए हैं। हो सकता है उसमें से कोई आपको डिज़ाइन अच्छा लगे और आप अपने कपड़ों पर बनवाना चाहें। और अगर आपको खुद कपड़े सीने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये होता है कि आपका जो टाइम भी बच जाता है और आपकी जो है ज़ाहर है पैसे भी सेव हो जाते हैं। आप दर्जी को बाहर देंगे डिज़ाइन अच्छा है, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतने ही वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो अभी मैंने भी जो है कुछ डिज़ाइन बनवाए हैं। ज़ाहिर है उस पर मेहनत लगती है। तो दर्जी जो कहते हैं, जो दर्जी या दर्जन होती हैं, वो कहती हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि जो है इस डिज़ाइन पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो अभी तो ज़ाहिर है सारे दर्जी बंद हैं, दर्जनें ही जो हैं जो घर में बैठ के कपड़े सी रही हैं। मैंने भी कुछ कपड़े जो है दर्जन से ही सिलवाए हैं पहले तो हैं। तो उसने जो है पहले तो कम पैसे मांगे, लेकिन जब डिज़ाइन बनाया तो उसने कहा ये तो बहुत जो मेरा टाइम लगा है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है जैसा डिज़ाइन होता है वैसे ही पैसे लगते हैं। और आप अगर आपको खुद सिलाई आती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप नेट से कोई भी डिज़ाइन निकाल लें, देखें अपने किसी भी सूट पे सूट देखें कि कौन सा वो बनाएं। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पैसे जो बच जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको जो है कोई भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नए आने वाली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। कपड़ों की मेरी जो है कपड़े वो आप देख को मैं आपसे शेयर करूँ, या दुपट्टों के डिज़ाइन, या नेक के डिज़ाइन, या फिर जो है अपनी ज्वेलरी दिखाऊं, मतलब जो भी आप देखना चाहते हैं मुझे लाजमी बताइएगा। और इसमें से आपने अपने जो कपड़ों पे कौन से कैसे कपड़े सिलवाए हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपके एक डिज़ाइन को देख के उसको डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे आजकल जो है पिछले साल से तकरीबन समोसा लेस जो है ट्राइंगल लेस जिसको बोलते हैं वो बहुत मशहूर हुई है। इसको लोग डिफरेंट वे से यूज़ कर रहे हैं, कोई दो तरह से इसको ऊपर एक सिर्फ एक पट्टी लेस के नीचे सिर्फ लगा कर यूज़ कर रहा है, कोई बीच में जो है नेट लगा के अपने ट्राउजर के एंड पे नेट लगा के उसके ऊपर और नीचे जो है वो समोसा लेस यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि डिफरेंट तरीके से जहाँ इंसान जहीन हो तो वो डिफरेंट तरीके से जो है खुद भी डिज़ाइनिंग कर लेता है। वो तो उसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, कि आपको जो है खुद काम करना आता हो या आपके अंदर क्रिएटिविटी हो तो उसको सोने पे सुहागा बोलते हैं। तो बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने जो है क्रिएटिविटी माइंड दिया है कि वो अपने आप से सोच समझ के कोई अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना लेते हैं और बाद में वो डिज़ाइनर बन जाते हैं और बेचारे हम जैसे लोगों को भूल जाते हैं। तो आप लेसेस भी जो हैं, अगर आपका जो है शर्ट किसी और कलर की है, ट्राउज़र वाइट कलर का है, तो उस पर जो है शर्ट से मिलते जुलते जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उस तरह की लेस लेके लगा सकते हैं, सीढ़ी लेस लगा सकते हैं, समोसा लेस लगा सकते हैं, या उस कपड़े का पैच जो है वो डिफरेंट वे से लगा सकते हैं। साइड पे पट्टी लगा लें या नीचे डबल पट्टी करके लगा लें। और उसके अलावा जो है और अगर आपका ट्राउजर वाइट है तो आप वाइट डिज़ाइन कोई भी सिंपल और तरह का बना लें। उससे ये होता है कि वाइट ट्राउजर जो है वो डिफरेंट जो कलर अक्सर जो लड़कियां कुर्तियां पहनती हैं, कुर्तियां पहनना पसंद करती हैं, तो उससे ये होता है कि वो एक ही ट्राउज़र को काफ़ी कुर्तियों के साथ यूज़ कर लेती हैं। तो उससे ये होता है कि आप सिंपल अगर वाइट जो है आपका ट्राउज़र उस पर सिर्फ वाइट कलर का काम करवा लें या मल्टी काम करवा लें ताकि वो मल्टी शर्ट्स के साथ चल जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई तो भी मुझे कमेंट में बता दें कि आपको क्या पसंद नहीं आया ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें
और अनलाइक करने वाले जो है कमेंट में लाजमी बताइए उन्होंने क्यों अनलाइक किया, ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ को अपने दोस्तों के साथ